हाय एवरीवन, आज बनाते हैं बेसन बर्फी, वो भी घर पे ही, विदाउट शुगर और बिल्कुल हेल्दी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आलमंड्स ले लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और बस मैं इसको रफली चॉप कर रही हूँ, और रफली चॉप करके अभी मैं इसको साइड में रख लूँगी। आलमंड्स हमारे चॉप हो गए हैं, तो आलमंड्स चॉप करने के बाद यहाँ पे मैंने 5 इलायची ले लिया है, और आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची को कूटने के बाद हम उसके अंदर से ऐसे इलायची दाने निकाल लेंगे। सारे इलायची दाने निकाल कर अब हम इसको भी अच्छे से पाउंड कर लेंगे, एक अच्छा सा इसका पाउडर बना लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा इलायची पाउडर भी बिल्कुल रेडी है, इसको भी हम अभी साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/4 कप घी, और घी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डाल के इसको थोड़ा हीट होने देंगे, और जैसे ही घी हीट हो जाएगा तो हम इसमें बेसन डाल देंगे। और बेसन डालते साथ हमें इसे चलाना है, हमें इसे स्टर करते रहना है ताकि बेसन में लम्स ना पड़े। तो अभी तो ये ड्राई लग रहा है, बट इसको धीरे धीरे चलाते रहना है, और बेसन को भी क्रश करते रहना है ताकि लम्स ना पड़े इसमें। और जैसे ही चलाते रहेंगे तो इसमें से घी छूटने लगेगा, और ये ऐसे पेस्ट जैसा हो जाएगा ये। और जैसे ही ये ऐसा पेस्ट जैसा हो जाएगा ना, तो ये हल्का सा इसको ब्राउन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर गुड़ डाल देना है, और गुड़ डालकर यहाँ पर मैंने इलायची भी डाल दिया है। और गुड़, इलायची, सब कुछ डालकर अब हम इसे अच्छे से कंबाइन करेंगे, इसे स्टर करेंगे, थोड़ा सा और हम भूनेंगे इसे। तो बस अब ये अच्छे से कंबाइन हो गया है, और ये थोड़ा सा भून भी गया है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, और पानी डालकर हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे और कंबाइन कर लेंगे। थोड़ा और पानी लगेगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। और पानी डालकर हमें फिर से वैसे ही कंटिन्यूअसली इसको स्टर करते रहना है। यहाँ पर मुझे और पानी लग रहा था, तो मैंने और डाल लिया है, और बस उसको मैं कंटिन्यूअसली स्टर कर रही हूँ जब तक गुड़ बिल्कुल पिघल करके और कंबाइन नहीं हो जाता। तो ये कंबाइन हो जाएगा और एक डो जैसा बन जाएगा ये, तब तक हमको इसको कंबाइन करना है। तो देखिए, ये ऐसा डो जैसा बन गया है, और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक कंटेनर में डाल सकते हैं सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, बटर पेपर लगा दिया मैंने उसमें, और अभी मैं उसमें घी ब्रश कर रही हूँ। आप घी या ऑयल कुछ भी ब्रश कर सकते हैं। तो इसके चारों तरफ मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया। बस अब हम इस मिक्सचर को इसमें अच्छे से फिल कर देंगे। अच्छे से फिल करने के बाद आप किसी भी बर्तन के हेल्प से या स्पैचुला के हेल्प से आप इसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं। तो हमें टाइटली इंटैक्ट करना है, अच्छे से प्रेस करना है इसे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैंने ऊपर से चॉप्ड आलमंड्स डाल दिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और देखिए, अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। थोड़ा सा रखा था मैंने इसे 5-10 मिनट्स, बट ये सेट हो जाता है जल्दी ही। तो ये सेट हो गया है, अब मैं इसे पीसेज में कट कर ले रही हूँ। आप कैसे भी अपने हिसाब से आप पीसेज में कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स जैसे कट कर लिए हैं, और हमारा शुगर फ्री और बिल्कुल हेल्दी घर का बेसन का बर्फी बनकर रेडी है। अगर आप कभी फेस्टिवल्स में भी इसे बनाना चाहते हैं, तो आप इसे बना सकते हैं। अभी रक्षाबंधन भी आ रही है, तो उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, घर में कोई भी इसे खा सकता है, और ये सच में बहुत डिलीशियस है। मुझे तो बहुत पसंद आई, तो आप भी ट्राई करना। आई होप आपको भी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।